जो रैबिट है, रैबिट में रहेंगे फोर लोब्स राइट साइड और टू लोब्स लेफ्ट साइड, क्लियर। राइट में फोर लोब एंटीरियर एजाइकस, राइट एंड राइट पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और पोस्टीरियर एजाइगस, ठीक है। ये चार लोब रहेंगे एजाइगस, एजाइगस, क्लियर। तो मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एजाइगस, राइट एंटीरियर राइट पोस्टीरियर, और लेफ्ट साइड दो लोब रहेंगे लेफ्ट एंटीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर। कभी कभी आता है रैबिट का, वैसे तो अपने को नॉर्मली मैन का याद रखना है, क्लियर। मैन में क्या रहेगा, देखो जो राइट लंग्स का वेट है ये रहेगा 625 ग्राम, लेफ्ट का रहेगा 575 ग्राम। आपसे डाटा नहीं पूछता है, ये पूछता है कि किसका ज़्यादा है किसका कम, क्लियर। ये हो जाएगा इधर तीन जो मैंने अभी बताया था ना, तो देखो मैं इसका डायग्राम भी बना ही देता हूँ, चलो यहाँ पे अभी ये नहीं है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ पहले इसका, है ना। मैं बना रहा हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में देखो क्या प्यारा बना रहा हूं, देखना। मस्त बना ना, हाँ जल्दी बना दो तुम लोग भी। ये है ट्रैकिया, ये है एपेक्स, देखो इसका ये वाला पार्ट है बेस, ये है डायफ्राम। अभी ये पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से डायफ्राम, है ना। अभी तो बस मैं बाहर से बता रहा हूँ कि दिखता कुछ ऐसा है, मतलब इधर देखो तीन लोब रहेंगे, हाँ अपर लोब मिडिल लोब लोअर लोब, अपर लोब मिडिल लोब लोअर लोब, एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर, अपर को बोल सकते हो आप एंटीरियर, एंटीरियर मिडिल को आप मिडिल ही बोल देंगे और इसको बोल देंगे पोस्टीरियर। ये अपना दो पार्ट में डिवाइड रहेगा ऐसे, अपर लोब एक रहेगा लोअर लोब, अपर लोब हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर और ये हो जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर। ऑब्लिक लाइन
यदि तुमको चलो ऑब्लिक लाइन या ऑब्लिक फिशर भी मिल सकता है, एक ही बात है। ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। कोई बता सकता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे अरुमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरुमा। मेरे तुमने बोला ना, अरे वाह वाह, कसम से मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक बार और अच्छा लग गया। ये होगा कार्डियक ओरिफिस, ये जो है ना, ये होगा कार्डियक ओरिफिस। बनाओ ना, अब हाथ गंदे, ट्राई तो करो, ट्राई ये वाला कि ये देखो, इसको तो ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बस लाइन खींच के डूम डूम। ये बताना हूँ, बताया हूँ कैसे। बन गया। और ये अपनी जो थोरेसिक कैविटी होती है, इसमें इतनी चीज़ें इंक्लूडेड रहता है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे वाला, रिब्स, रिब्स के बीच में कार्टिलेज और कहाँ डायफ्राम, ये इतना पूरा हमारा रहेगा वर्टिब्रल कॉलम। हाँ ना, स्टर्नम से जुड़ी रहती है ना ऐसे, ये मतलब थोरेसिक कैविटी में इसके अंदर लंग्स लगा रहता है। अभी इसको बताऊँगा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो जो मैं इसके बाद बनाऊंगा वो बनाना है। ये तो मैं लोब सिखाने के लिए बना दिया, वैसे मेरे को बनाना नहीं था ये, क्लियर। तो यदि अपन बात करें तो देखो, ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स है, ये दोनों है ना, ये ब्रोंकियोल्स है, फिर इसका जो ऐसे डिवाइड होने लगेगा, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा हो जाएगा है ना, ये ब्रोंकियोल्स हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, इसका जो टिप है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा एपेक्स, मतलब टिप ऑफ लंग्स, और ये नीचे वाला पूरा ये वाला पार्ट कहलाएगा बेस, क्लियर। ऐसे रहेगा ऐसे। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो अपना देखो, जो अपना राइट साइड वाला पार्ट है, राइट साइड वाले में 1, 2, 3 लोब हैं, और ये तीनों लोब मिला के 625 ग्राम है। इधर पे दो लोब हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, लेफ्ट एंटीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर, और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 575 ग्राम, क्लियर। और ये दोनों आपस में जिससे डिवाइड रहते हैं उसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। अब ये जो लंग्स है, ये लंग्स अपने थोरेसिक कैविटी में रखा रहता है, कहाँ, थोरेसिक कैविटी। तो समझो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारी बॉडी है दो पार्ट में डिवाइड है, और जो दो पार्ट में डिवाइड है उसको हम बोलेंगे डायफ्राग्म। क्या बोलेंगे, मतलब एक ऐसा, मतलब समझ गए, एक ऐसा चैम्बर टाइप का है, उसको अपन ने एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ऊपर वाले पार्ट को बोल देंगे थोरेसिक कैविटी, नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में चार चीज़ें याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेज, रिब्स और डायफ्राग, क्लियर हुआ। अब अपन क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे लंग्स या सेकेंड लंग्स ऑफ मैन, ये पूरा रफ कर दूंगा, अब मज़ा आएगा, बढ़िया डायग्राम।